नागिन सिक्स में बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आते ही रहते हैं और अब कहानी जो है प्रथा की बेटी प्रार्थना, यानी अब तेजस्वी की ही जो बेटी है प्रार्थना, जो खुद ही वो रोल कर रही है, उनके ऊपर कहानी बेस्ड होने वाली है। ऋषभ और प्रथा को अभी भी शो में रखा है। थैंकफुली फैंस खुश है इस बात से कि प्रारिश अभी भी शो में है, क्योंकि प्रारिश से फैंस काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। और ऐसे में आपको बता दें, अब कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, बड़े बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। तो क्या उर्वशी ढोलकिया, उनका जो कैरेक्टर है उर्वशी, क्या उसकी वापसी होने वाली है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं कि क्या महक और उर्वशी वापस आ रहे हैं नागिन सिक्स में, क्या कुछ खबरें आ रही है। बता दी आपको इस वीडियो में, आप देख रहे हैं फीफा फूज, में हूँ आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी करने का। आपको बता दें कि नागिन सिक्स वन ऑफ द टॉप शोज है और इस शो को काफ़ी पसंद किया जाता है। टीआरपी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट खतरों को जो अभी तक, जब से खतरों का खिलाड़ी आया था तब से नंबर वन पे था, लेकिन अब रीसेंट जो टीआरपी आई, मैंने आपको बताया किस तरीके से नंबर वन पे नागिन सिक्स है और नागिन ने फिर एक बार अपना थ्रोन जो है नंबर वन का अपने हाथ में ले लिया है। अब इसी में, इसके बीच आपको बता दें एक जो बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से सुधा चंद्रन जी का कैरेक्टर हमें फिर एक बार दिखाई दे रहा है लीप के बाद, बीच में वो शो से गायब हो गई थी, उनके कैरेक्टर को कोमा में डाल दिया था। खैर अभी भी सीमा का कैरेक्टर कोमा में ही है, लेकिन सीमा की माँ जो है तारा, यानी कि सुधा चंद्रन जी ही डबल रोल वो कर रही है। सो फिलहाल तारा जिंदा है और तारा और आंटी दोनों मिलके जो है बैंड बजाने वाले हैं प्रोफेसर के दिमाग का, जो ऑलरेडी करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि प्रोफेसर इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो चुके हैं प्रार्थना के लिए। उन्हें कहीं ना कहीं अब पता है कि प्रार्थना उनकी नहीं, प्रथा की बेटी है, और वो अभी फिलहाल प्रथा से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका फ़ायदा पूरी तरीके से तारा उठाती हुई नजर आने वाली है। अब ऐसे में शो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, प्रार्थना और रुद्र की कहानी हमें दिखाई देगी, अनमोल भी होगी, शेष सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन प्रार्थना इस हफ्ते बनने वाली है। और इसी बीच अब खबर आ रही है कि महक जो है इतने आसानी से मर नहीं सकती है, और स्पेशली जब वो शेष नागरानी है तब ऐसे में उनका मरना पॉसिबल नहीं है। और उर्वशी जो है उनका भी कैरेक्टर को काफ़ी पसंद किया गया, काफ़ी अब्रप्ट एंडिंग लगी है फैंस को, इसीलिए फैंस के सोशल मीडिया पर काफ़ी लंबे समय से डिमांड हो रही थी इन्हें वापस लेकर आना चाहिए। और अगर खबरों की माने तो फिलहाल मेकर्स डिस्कस कर रहे हैं, देर इज़ अ हाई चांस कि उर्वशी ढोलकिया वापस नागिन सिक्स में आ सकती है, और महक भी आ सकती है, जैसे सुधा चंद्रन जी ने बीच में ब्रेक लिया था नागिन सिक्स से और उसके बदले कोई और नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे और कहानी आगे बढ़ी थी। महक जो पॉजिटिव थी उसे नेगेटिव कर दिया था। तो अब सुधा चंद्रन जी जिस तरीके से वापस आई है, वैसे ही शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उर्वशी ढोलकिया की एंट्री वापस हो सकती है और महक की भी एंट्री वापस हो सकती है। और अगर खबरों की माने तो अभी इतने जल्दी नहीं, लेकिन चांसेस है एक आध महीने के बाद जो है वापसी हो सकती है महक और उर्वशी दोनों की। क्या कुछ कहना है आपको इस पर, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। आई सी यू सून।